हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फर्स्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बीटीपी का जो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन जो कराना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कैसे कराना है और कब तक आपका इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और क्यों कराना है। ठीक है, तो ऐसे छात्र छात्रा जो यूपीबीटी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, तो उनको बीटीपी से आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन कराना अनिवार्य है, वरना आप अभी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। लिखा है आप सोच रहे होंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन कराना क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट यहाँ आया है कि जो स्टूडेंट्स आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तथा लेटेस्ट अपडेट से ये भी पता चल रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। तो आपकी जो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की जो लास्ट डेट है वो कल है, यानी कि 9 तारीख है। तो आप आज में ही, सिंपल तरीका है, मैं आपको जिस जिस स्टेप से बताऊँ आप नॉर्मली करोगे तो आराम से आपका 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है बताता हूँ आपको। पहले यूपीपीटी की मेन वेबसाइट पर जाना है। जब आप यूपीपीटी की मेन वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको लॉग इन पर ओके करना है। पहला जो ऑप्शन आएगा स्टूडेंट लॉग इन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब आप स्टूडेंट लॉग इन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और उसको लॉग इन कर देना है। ठीक है, पासवर्ड में भी आपका, आप अपने कॉलेज में कोई बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर आपको नहीं कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर पा रहा तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, वही आपका यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। स्टूडेंट राइट्स में आपको यहाँ पे मिलेगा आधार वेरीफिकेशन का ऑप्शन, आपको आधार वेरीफिकेशन पर क्लिक करना है। जब आप आधार वेरीफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट साइट में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आप, मतलब आप आधार वेरिफिकेशन करोगे तो आपको ये आधार वेरिफिकेशन का इधर ये ऑप्शन आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एनरोलमेंट नंबर दिया होगा, नेम दिया होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नंबर। फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे आपको सेव करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका नंबर, अगर मतलब आपकी जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर इसके बाद आपको वेरीफाई आधार पे ओके करना है। जब आप इस पर ओके करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आधार कार्ड वेरीफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको पर्सनली आपसे कॉन्टेक्ट करके आपकी जो आधार वेरीफिकेशन है इसको मैं करा दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।